क्या आपको पता है कि YouTube और वैलेंटाइंस डे का एक गहरा कनेक्शन है? क्या आपको पता है कि YouTube को बनाने वाली कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती है? इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा इस वीडियो में, तो बने रहिए इस वीडियो में। सो हे व्हाट्स अप गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे YouTube की। YouTube के बारे में जानेंगे कुछ अमेजिंग के फैक्ट्स को। तो फैक्ट नंबर वन, तो दोस्तों आज से पहले आपको नहीं पता होगा, YouTube एक डेटिंग ऐप था। मतलब जब उसकी शुरुआत हुई या फिर जब वो लॉन्च हुआ, तो वो एक डेटिंग ऐप की तरह लॉन्च हुआ था। क्या बोला तूने? तो हाँ, जब मैंने भी ये सुना ना, तो मेरा भी रिएक्शन कुछ ऐसा ही था। मुझे भी नहीं पता था कि YouTube एक डेटिंग ऐप, और मतलब कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि YouTube एक डेटिंग ऐप की तरह लॉन्च हुआ था, जो आज इतनी बड़ी वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बन चुका है। आज इसको गूगल हैंडल करता है, ये गूगल के अंडर में आता है, और ये मिलियंस ऑफ वीडियो एक दिन में अपलोड होती हैं और देखी जाती हैं। YouTube का स्लोगन था ट्यून इन हुक अप। इस पे लड़का और लड़की अपने बातों को आगे, कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते बढ़ाते आपस में वीडियोस को भी शेयर कर सकें, कुछ इस तरीके से इस वेबसाइट को डिजाइन किया गया था। और पर ये समय बीतता गया, इतना पॉपुलर होता गया कि कब ये वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बन गया, ये किसी को नहीं पता चला। मतलब ये डेटिंग ऐप से एक वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बन गया। आज ये प्लेटफॉर्म इतना बड़ा हो चुका है कि वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है इसको एज अपना फुल टाइम जॉब कर रही है। तो बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट में, यानी फैक्ट टू की तरफ। तो यार, वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बोला था YouTube और वैलेंटाइंस डे में एक गहरा कनेक्शन है। तो वो कनेक्शन क्या है? तो यार, जैसा कि आपको मैंने बताया इससे पहले कि YouTube एक डेटिंग ऐप था, YouTube को लॉन्च एक डेटिंग ऐप की तरह करना था, तो उन्होंने कहा कुछ स्पेशल डे जो कि डेट्स और मतलब लवर्स के लिए हो, तो इसलिए वैलेंटाइंस डे से अच्छा कौन सा दिन हो सकता है, तो इसलिए वैलेंटाइंस डे वाले दिन इसको लॉन्च कर दिया गया। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट और थर्ड सेगमेंट की तरफ, जो कि है हमारा YouTube को बनाया किसने, यानी कि YouTube के फाउंडर कौन है, YouTube का स्पेसिफिकली एल्गोरिदम लिखा किसने, एल्गोरिदम मतलब ये प्रोग्राम लिखा किसने, ये किसकी दिमाग की खुराफात थी। तो बता दें कि YouTube को किसी भी कंपनी ने या किसी टीम ने तो बनाया, मतलब किसी स्पेसिफिक बंदे ने भी नहीं बनाया, इसको एक टीम ने बनाया जो कि थी PayPal की टीम। यानी PayPal जो कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन देखता है, वो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन देखता है, एक ऑनलाइन बैंकिंग ऐप है, उसके कुछ एम्प्लॉयज़ ने मिल करके आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब बिना कंपनी में, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स से मतलब मेरा है कि ऑफ टाइम में, तो जब कंपनी काम नहीं कर रहे होते तो उस टाइम पे वो काम करते थे यूट्यूब पे, और उन्होंने यूट्यूब का ये कॉन्सेप्ट सामने लाया, और आज ये यूट्यूब इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया है कि मुझे लगता है PayPal से भी कहीं ज़्यादा पॉपुलर इस समय यूट्यूब है। आप एक बार कहीं पर जाएंगे ना, किसी विलेज में या किसी एक ऐसे एरिया में, रूरल एरिया में, जहाँ पे आपको यूट्यूब के बारे में तो जानने को मिल जाएगा, लेकिन शायद ही उन्होंने PayPal का नाम सुना। तो YouTube एक ऐसी अमेजिंग साइट है जिसको बनाया लवर्स के लिए गया था, और बनाया एक ऑनलाइन नेट बैंकिंग वालों ने था, और ये एक वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप बन गया, या एक वीडियो स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर साइट, या जो भी बोल सकते हैं आप, ये वो बन गया। इस समय वर्ल्ड की बिगेस्ट ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन है या साइट है ये। तो भाई मतलब इसका आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हो कि बनाया किसने, किसके लिए बनाया गया, और ये बन क्या गया, ये सब डिफरेंट है। मतलब कोई भी एक सेट प्लान नहीं है, कोई सेट पाथ नहीं है, लेकिन ये फिर भी आज इतना पॉपुलर है। दैट्स इट्स फॉर टुडे गाइस। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी होगा। दोस्तों, अगर ये छोटा सा सेगमेंट आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरीके का कंटेंट आता रहेगा। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पहले से पता था, और अगर पता था तो यार फिर से देख लिया, अच्छा ही किया, थोड़ा कन्फर्मेशन हो गया, और क्या चाहिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।